भारतीय मूल के तीन बड़े अर्थशास्त्री आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त सेन और नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने एक लेख के जरिए सरकार को कई सुझाव दिए हैं। दरअसल कोरोना की मार झेल रहे भारत में 24 मार्च से सब कुछ बंद है। इससे सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद सरकार को लोगों तक हर प्रकार की मदद पहुँचाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में हर एक कदम सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बेहद सोच समझकर फैसले लेने पड़ते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर तीनों अर्थशास्त्रियों ने सरकार को क्या सलाह दी है, आइए जानते हैं। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में है। इस महामारी के बीच सरकार को सोच समझकर खर्च करना होगा, लेकिन उन लोगों की मदद में कटौती नहीं करनी होगी जिन्हें फिलहाल सरकारी मदद की सख्त जरूरत है। कई सेक्टर्स और बड़ी आबादी को तत्काल मदद की जरूरत है। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से देश में सब कुछ ठप है, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों की रोजी रोटी जा चुकी है। बेरोजगारी बड़ी समस्या बनती जा रही है। अभी का जो डिलीवरी सिस्टम है उसमें बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से लॉकडाउन तोड़ने के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें मजबूरी के साथ साथ जोखिम भी है। लेकिन जो लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, उनकी बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल्द कदम उठाने की जरूरत है। तीसरा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI के स्टॉक भरे पड़े हैं। मार्च 2020 तक FCI के पास 7 करोड़ टन स्टॉक है। बफर स्टॉक की तुलना में यह 3 गुना अधिक है। इसलिए सरकार को सबसे पहले गरीबों तक अनाज पहुंचाना चाहिए। चौथा, सरकार को आभास हो गया है कि कृषि बाजार के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो चुकी है। इसलिए अब किसानों से स्टॉक्स खरीदने के लिए सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। नेशनल इमरजेंसी के इस दौर में पुराने स्टॉक को खर्च करना सबसे जरूरी कदम है। सरकार इस पर काम कर रही है। पांचवा, इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार ने अगले 3 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम प्रति महीने अनाज देने का ऐलान किया है, जो बेहतर कदम है, लेकिन इसे 6 महीने तक देने की जरूरत है। छठवां, तीनों अर्थशास्त्रियों ने लिखा है कि सरकार को गरीबों में अनाज और कैश वितरण के लिए राशन कार्ड और जन खाते से ऊपर उठकर सोचना होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर गरीबों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने इसके लिए झारखंड का उदाहरण भी दिया, जहां बड़े पैमाने पर राशन कार्ड पेंडिंग पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर ये होगा कि तुरंत अस्थायी राशन कार्ड जारी किए जाएं। सातवां, स्कूल बंद हैं, लेकिन स्कूल मील को बच्चों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही प्रवासी मजदूरों और घर से बाहर रहने वालों के लिए पब्लिक कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं को तुरंत NGO की मदद से शुरू की जा सकती है। आठवां, सरकार को उन प्रभावित गरीबों को तुरंत कैश ट्रांसफर करना चाहिए जिनकी रोजी रोटी लॉकडाउन खुलने के बाद भी शुरू होने की संभावना नहीं है। अभी जो केंद्र सरकार कैश ट्रांसफर कर रही है वो काफी नहीं है। किसानों के साथ साथ मजदूरों को कैश बेनिफिट मिलना चाहिए। नौवां, रबी फसल तैयार है जिसे सरकार को खरीदने के बारे में फैसला लेना होगा। साथ ही किसानों को अगली फसल के लिए पैसे और खाद की जरूरत होगी। दुकानदारों को देखना होगा कि वे अपने स्टॉक को कैसे पूरा करें। बहुत लोगों को ये भी देखना होगा कि वे अपने पुराने लोन को कैसे चुकाएं। दसवां, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस वक्त राज्यों को केंद्र से मिलने वाले फंड भी समय पर जाने चाहिए। राज्यों को भी गरीबों तक तुरंत मदद पहुंचाने के बारे में प्लान तैयार कर लेना चाहिए। जहां तक उद्योग की बात है, कुछ इंडस्ट्रीज को सख्त मदद की जरूरत है। अब सरकार को सोचना होगा कि सबसे ज्यादा प्रभावित इंडस्ट्रीज को कैसे मदद की जाए। तो ये थे अर्थशास्त्रियों के 10 बड़े सुझाव जो उन्होंने सरकार को दिए हैं। अब इस पर कितना अमल करना है और कितना नहीं, ये तो फैसला सरकार को ही लेना है। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें।